बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। कि बगैर सत्ताधारी के तो FIR नहीं हो पाएगी, क्यों करेगा कोई? जो प्रशासन हमको इंतजाम दे रहा हो वही प्रशासन FIR 3 बजे क्यों कर देगा? FIR करना तो सुबह कर देता, अनुमति ही नहीं देता मेरे यात्रा की। छोटे मैं तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कांवड़िया यात्रा थी जब, तो कांवड़ लोग DJ बजा के जा रहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई DJ इस पे कोई अनुमति की जरूरत नहीं, लोग बजाएं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जन एकता रैली क्या निकाली कि मानो बवाल खड़ा हो गया। रैली के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब धनंजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर विवादों में है। जौनपुर में पूर्व सांसद और उनके समर्थकों ने सरदार पटेल की जयंती पर जन एकता यात्रा निकाली थी। यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाते हुए लगातार चल रहे थे। आगे आगे DJ पर देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे थे। सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा का समापन हुआ और सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन फिर पूर्व सांसद के खिलाफ केस दर्ज हो गया। जौनपुर कोतवाली की चौकी प्रभारी शंकर मंडी कंचन पांडे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। आरोप लगा कि धनंजय सिंह ने जन एकता रैली में सुप्रीम कोर्ट और शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया। इस मामले में धनंजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दलों के इशारे पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वरना जो प्रशासन यात्रा के दौरान उनकी मदद कर रहा था, आखिर वो केस दर्ज कैसे करवा सकता है? जिस जहां से FIR कराई गई कोतवाली से, वहीं पे सुबह ही हो जानी चाहिए थी फिर FIR। 3 बजे FIR होने का क्या उचित था? FIR मुझे राजनीति से प्रेरित लगती है। कुछ लोग जो है जिनको ये यात्रा हजम नहीं हुई होगी, अपने कुछ कर नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में यूनिटी पूरे देश में मनाई गई, एक दिन पहले SBCT CO City कोतवाल सभी को बता दिया गया था इस रूट से आएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और कितनी भीड़ हो सकती, ये भी बता दिए थे। क्योंकि जिस तरह से लोगों के फ़ोन आने लगे थे हमारे पास या ऑफिस में, और लोग अपने से स्वतः बात करने लगे थे, मुझे लगा कि इसमें 5-6 हज़ार लोग आ सकते हैं, हमने बता दिया था। उन्होंने कहा मुझसे कितनी भीड़ हो सकती है, हमने कहा 2000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 10000 भी हो सकती है, कौन एसेस करेगा कितनी भीड़ हो सकती है, लेकिन हमें लग रहा है भीड़ हो जाएगी, ये बात हमने पहले भी कह दिया था। किस वजह से कराएगी? ध्वनि प्रदूषण फैलाने। नहीं, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था, ना कोई DJ था, साउंड सिस्टम था। ये था कि साउंड सिस्टम इसलिए रखा गया था कि ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लोग माइक से बोल सके, किसान अनुशासित रूप से चले, सबको वहाँ पे दिशा निर्देश देते रहा जाए। और पूरे यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, इन्हीं नारों से गूंजता रहा है पूरी यात्रा। और किसी का कोई एक व्यक्तिगत नया उसमें नारे लगे ना, कोई बात रही है। तो आज को ऐसी स्थितियां ही हैं कि बगैर सत्ताधारी के तो FIR नहीं हो पाएगी, क्यों करेगा कोई? जो प्रशासन हमको इंतजाम दे रहा हो वही प्रशासन FIR 3 बजे क्यों कर देगा? FIR करना तो सुबह कर देता, अनुमति ही नहीं देता मेरे यात्रा की, तो इसलिए हम प्रशासन को नहीं दोष दे सकते हैं। प्रशासन का कभी कभी संख्या से अधिक। अब मैं भी तो कह रहा हूँ कि ऐसे मौकों पे आप एसेस नहीं कर सकते कितने लोग आए, इसीलिए मैंने स्पष्ट अपने जो अनुमति मांगी थी उसमें मैंने लिखा था कि यात्रा फला जगह से प्रारंभ होगी, फला जगह तक जाएगी, उसमें संख्या बल दिया ही नहीं गया था। छोटे छोटे मैं तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कांवड़िया यात्रा थी जब, तो कांवड़ लोग DJ बजा के जा रहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई DJ इस पे कोई अनुमति की जरूरत नहीं, लोग बजाएं। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।